आफ्टरनून नमस्कार वेलकम टू तो जतिन ऑटो हिल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे हेल्थी होंगे दोस्तों जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ गई है जी हाँ होंडा सिटी का फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है होंडा सिटी अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार है और अब ये नए अवतार में आ गई है बहुत से इसमें मेजर अपडेट है मेजर चेंज हुए हैं और ये जो सामने आप देख रहे हो ये होंडा सिटी का ब्लू कलर है जिसमें जो होंडा सिटी ने लॉन्च किया है इसके साथ ही मैं आपको वाइट कलर में भी इसका डिटेल रिव्यू दूंगा दोनों कलरों में मैंने ब्लॉग शूट किया है तो चलो दोस्तों फ्रंट से स्टार्ट करें तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो इसका ग्रिल का है जो काफ़ी मतलब पहले से ज़्यादा चौड़ी हो गई है और एक मेजर चेंज भी है इसके अलावा बम्फर के नीचे भी ग्रिल दी गई है अगर आप देखो फ्रंट से तो ये पहले से ज़्यादा और भी स्पोर्टी हो गई है बात करें इसके लैंप की तो फुल्ली एलईडी लैंप है नाइन एलिमेंट्स के साथ आते हैं जिसमें छः आपको लो बीम में दिखेंगे लो बीम में मिलेंगे और तीन हाई बीम में ऊपर डेटा निक लाइट और नीचे टर्न इंडिकेटर इसके साथ ही अगर आप दोस्तों देख रहे होगे आप इसके फोग लैम्प ये भी एल है दोस्तों साइड प्रोफाइल की बात करें तो यार ये और भी लग्जरी लगने लग गई यानी जो ये ब्लू कलर है यार ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ये बी जैसा लग रहा है क्योंकि बी जैसी कार बड़ी कार है इसी कलर में आती है तो मतलब ये जो कलर लॉन्च किया ना ये तो यार मतलब चार चांद लगा देगा इस कार पर तो डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो इसकी जो लेंथ है वो पैंतालीस सौ उनचास एम एम है वेट सत्रह सौ अड़तालीस एम एम है हाइट इसकी चौदह सौ उनासी एम एम है व्हील बेस छब्बीस सौ एम एम है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 सिक्सटी mm फाइव है टायर साइज की बात करें तो दोस्तों एक सौ सिक्सटी आर सिक्सटी के टायर साइज इसका हाँ अगर आप इसका मतलब नीचे वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको पंद्रह इंच के टायर मिलेंगे यानी टॉप एंड वेरिएंट तो इसमें सोलह इंच के आपको टायर मिलेंगे इसके बाद बात करें दोस्तों इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो चालीस लीटर की है जो अपने सेगमेंट में सबसे कम है चलिए दोस्तों अब रियल में चलते हैं तो रियल में बात करें दोस्तों एलईडी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई मजा आ रहा है देख कर तो चार पार्किंग सेंसर मिले आगे आपको और साथ में रियर कैमरा इसके साथ ही दोस्तों इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसका बूट स्पेस है 506 लीटर तो दोस्तों रियर सीट की बात करेंगे तो इसका इंटीरियर देख रहे हो आपके ड्यूल टोन में है स्पेस काफी अच्छा खासा है रियर एसी बीएस साथ में आपको यूएसबी पोर्ट भी मिलेंगे और भाई दोनों की दोनों पावर विंडो होंगी ऑब्वियसली बात है जगह-जगह आप देखोगे कि इसमें तो लेदर की फिनिशिंग है सॉफ्ट टच की और इसके जो लैंप लैप पैलेट यार बड़े खूबसूरत तो चारो तरफ ब्लैक कलर की क्रोम फिनिशिंग दी गई है मतलब यार लैम्प इस गाड़ी को और भी लग्जरी बना रहे हैं इसके अलावा भाई आर्म रेस्ट मिल जाएगा और विथ टू कप होल्डर यानी मतलब आप लॉन्ग टूर ट्रिप पे जा रहे हो तो कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है ने तो दोस्तों फ्रंट से बात करें यानी इसके इंटीरियर की बात करें फ्रंट की तो वो डोल इंटीरियर है अगर आप देखो तो कहीं जगह इसमें सॉफ्ट टच की फिनिशिंग दे रखी है जो लेदर लेदर के साथ है अगर हम बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की दोस्तों वो आठ इंच का है यार ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था इसके साथ इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है सन है और एक अच्छा खासा आर्म रेस्ट है विथ स्टोरेज जी हाँ इसमें अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाएगी आपको आर्म रेस्ट में इसके बाद दोस्तों स्टेयरिंग की दोस्तों स्टेरिंग की बात करें तो दोस्तों ये डी कट स्टेयरिंग में नहीं आता क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है डी कट स्टेयरिंग का लेकिन इसमें नहीं, नहीं आता लेकिन लेदर लै... रैप के साथ आ रहा है न, क्योंकि ये टॉप एल वेरियंट है आपको तो वह बात बात लेदर रैप के साथ तो आएगा जो का इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो इसमें सारे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल मिलेंगे और ब्लूटूथ के कंट्रोल मिलेंगे राइट साइड में देखें तो क्रूज कंट्रोल और एम आई डी कंट्रोल भी जी हाँ इसका जो अगर आप देख रहे हो चारों के चारों इसमें पावर विंडो दे रखी है ओवेसली बार टॉप एन मेरे चारों के चारों पावर विंडो मिलेगी और फुल्ली मतलब जो मिरर है साइड मिरर वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और फोल्डेबल भी है इसके अलावा दोस्तों इसमें जो मतलब चार्जिंग है दो तो, इसमें दो यू एस पी चार्ज है और बारह वोट का सॉकेट मिल जाएगा वायरलेस चार्जर की भी इसमें फैसिलिटी है तो दोस्तों इसकी इंजन की बात करें तो वही पुराना इंजन है कोई चेंज नहीं हुआ है पंद्रह सीसी का इंजन है फोर सिलेंडर इंजन है जो 120 bhp पावर देता है 145 का टॉर्क जी हाँ बी एस सिक्स फेज टू में गाड़ी आ गई है जो इसकी माइलेज है वो 17.8 की है हाँ चेंज हुआ है दोस्तों चेंज ये हुआ है अब ये गाड़ी डीजल में नहीं आएगी ओबियसली होंडा ने अपनी सारी की सारा डीजल कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया यानी अब ये फुल्ली हाइब्रिड में आएगी और पेट्रोल में आएगी तो दोस्तों ये था होंडा सिटी फेसलिफ्ट का डिटेल्ड रिव्यू आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में नई होंडा सिटी का टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ उसका भी मैं वीडियो डालूंगा तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय